टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। रामपुर के डीएम ने कुछ ऐसा किया कि नाकाबंदी में तैनात पुलिसकर्मी सिर्फ चौक ही नहीं बल्कि हैरान परेशान हो गए। दरअसल रामपुर के डीएम ने कानून व्यवस्था की हाल जानने के लिए खुद बड़े साहब से एक आम इंसान बनकर बाइक पे सवार होकर हेलमेट और मास्क पहनकर गले में गमछा डालकर जो है हालात जब जानने निकले तो उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया और किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था कि रामपुर के डीएम आम जनता के भेष में मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो कभी आ सकते हैं। लेकिन शक यकीन में बदल गया और लॉकडाउन की हालात जानने के लिए डीएम साहब शहर के आसपास निकले। कुछ ही दूरी पर पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी, आम जनता की तरह डीएम को भी रोक लिया। डिपार्टमेंट को खबर नहीं थी कि डीएम साहब भेष बदलकर आएंगे, रामपुर की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उसके बाद उन्होंने किस तरह से पुलिस वालों की क्लास लगाई आप देखिए हमारे इस वीडियो में। तेजी से जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलेंगे। और कल और परसों दो दिन में हमारे यहाँ 5 मौतें हुई हैं, उनमें से 5ों के 5ों लास्ट मिनट में हॉस्पिटल में ले आए जिसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, खासतौर से 3-4 चीज़ों के प्रति। एक तो एक दूसरे से दूरी बनाना और चेहरा हमेशा ढकना जब भी बाहर निकलना और बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलना। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन है, 2 दिन लॉकडाउन का जायजा लेने निकले थे पुलिस वालों के बाद आम जनता को भी समझाते हुए यहाँ तक नियमों को तोड़ने वालों को कान पकड़कर उठा बैठक भी करवाई है जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और यही नहीं, नियम को तोड़ने वालों को फटकार भी लगाई है। डीएम साहब के चर्चे पूरे रामपुर में तो हो ही रही है बल्कि पूरे देश में ही चर्चा है, उनका विषय बना हुआ है। जिले के जिम्मेदार डीएम अपने डिपार्टमेंट व आम जनता की हाल जानने के लिए निकले थे, भेष बदल कर निकले थे। डिपार्टमेंट के सभी लोग चौंक गए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।